बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है रेटेल ज्वाइंट, जो डोमेस्टिक वायरिंग में आता है कि ज्वाइंट कैसे लगाया जाता है। रेटेल ज्वाइंट होता है कि जितनी भी केबलें आ रही हैं, चार आ रही हैं, तीन आ रही हैं, उनको आपस में जोड़ के किसी भी एक पॉइंट में जो है वो लगाना जो है, ताकि वो लग जाए। पुराने जो कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें से एक एक स्ट्रैंड काट कर जो है उस पॉइंट पे लगा देते हैं, जिससे उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो पॉइंट जो है वो जल जाता है। इसीलिए रेटेल ज्वाइंट लगाया जाता है। रेटेल ज्वाइंट में क्या होता है कि लगाने का तरीकेकार, हजारों लात उसमें हमें चाहिए, केबल नाइफ, प्लायर, स्टील रोल, एमरी पेपर, बड़की काविया और सोल्डिंग आयरन। एहतियातें क्या है, जो हम एहतियातें होंगी, जो ज्वाइंट आप लगाएंगे वो क्यों लगाया जाता है, वो ज़रूरी क्या है कि एहतियातें क्या होनी चाहिए। ज्वाइंट लगाए जाने वाले हिस्से की मजामत केबल की मजामत से बढ़ने ना पाए। जो केबल की मजामत है वो ज्वाइंट की मजामत केबल की मजामत से ज़्यादा ना हो। ज्वाइंट हिला ना रहे स्पार्किंग का बायस हो सकता है। तरतीबे अमल में क्या होता है कि इसमें आप ज्वाइंट कैसे लगाएंगे। ज्वाइंट आपके पास दो केबलें हैं, 3 29 की, 3 29 की केबल में से आपने 4 इंच इंसुलेशन उतार लेनी है। 4 इंच इंसुलेशन उतारने के बाद उनमें से 3 स्ट्रैंड एक केबल के और 3 स्ट्रैंड दूसरी केबल के आपके पास आ जाएंगे। आपने उसमें से उस केबल को ऐसे रखना है, ठीक है, ये 3 स्ट्रैंड ऐसे सामने रख लेने हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड जो है इनके ऊपर ऐसे लपेट देना है, इस केबल का भी और इस केबल का भी। आपके पास पीछे दोनों केबलों के 4 स्ट्रैंड बच जाएंगे। इन 4 स्ट्रैंडों के क्या करना है कि आपने एक स्ट्रैंड फिर पकड़ना है, इन तीनों केबलों के ऊपर लपेट देना है। फिर इन तीनों केबलों, जब ये ख़त्म हो जाए ये वाला स्ट्रैंड, फिर आगे इन तीनों में से एक स्ट्रैंड पकड़ना है, इन दोनों के ऊपर लपेट देना है। जब ये ख़त्म हो जाए फिर आगे दोनों में से एक स्ट्रैंड पकड़ना है, इसके ऊपर लपेट देना है। इसी तरह ये रेटेल ज्वाइंट बन जाएगा। रेट कहते हैं चूहे को और टेल कहते हैं चूहे की दुम को, यानी कि ये चूहे की दुम जैसा ज्वाइंट बन जाएगा, यानी कि ये इस शेप में बन जाएगा, ठीक है। ये शेप भी आपके सामने है। अगर मजीद आप इसको ज्यादा केबलें इसके साथ लगाना चाह रहे हैं तो इसके साथ जो है वो केबलें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी मर्जी ज्यादा केबलें हों वो आप ऐड करके उनके भी स्टैंड आप इसी तरह सामने ला सकते हैं, ठीक है। और जब ये जो ज्वाइंट लगाते हैं, लगाने के बाद कोई भी पॉइंट आपका मेन स्विच का हो उसमें लगाने के लिए 5 तारे हों, 6 तारे हों, 6 तारों की जो है वो तारे इस कंडक्टर जो है इस पॉइंट में नहीं लगते। कारीगर क्या करता है, आम दुकान वाला कारीगर जो है, मार्केट वाला, उसके एक एक कंडक्टर जो है काट के फिर इसमें लगा देता है। मगर ये रेटेल ज्वाइंट उस वक्त लगाया जाता है, फिर ये आसानी के साथ उस पॉइंट में लगा दिया जाता है। अभी हम ये दोबारा लगा के भी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, कैसे ये लगाया जाता है और किस तरह इसका तरतीब अमल है।